हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होने वाली है। इन ट्रिक्स की मदद से आपका समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ आपके लॉजिक्स भी बिल्ड होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज की लाइव क्लासेस के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले। अब ये सवाल ध्यान से समझना, मजे आ जाएंगे इसमें आपको। मजे कैसे आएंगे कि भाई 30 की पावर 5 है, 24 की पावर 5 है, अभाज्य गुणनखंडों की आपको संख्या बतानी है कि इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कितने होंगे टोटल। इन चार ऑप्शन में से एक आपको अपना करेक्ट ऑप्शन। देखो अभाज्य होते क्या है, नंबर ना दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे, जैसे अगर आप लोगों ने मेरे साथ नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस की होगी तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि बेटा कंपोजिट, ठीक है, और दूसरा आपका प्राइम। कंपोजिट और दूसरा आपका प्राइम, नंबर दो तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। कंपोजिट मतलब होता है बेटा आपका भाज्य, कंपोजिट मतलब होता है आपका भाज्य, प्राइम मतलब होता है आपका अभाज्य, प्राइम मतलब होता है आपका अभाज्य। ये चीज समझ में आ रही? कंपोजिट मतलब आपका भाज्य, भाज्य मतलब ऐसी संख्याएं। देखो एक बेसिक सा मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं, जिसके मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम केवल आपके दो फैक्टर हो, केवल आपके यहां पर दो फैक्टर हो, वो आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। जिसके मिनिमम तो तीन हो, मिनिमम तो आपके तीन फैक्टर हो, मिनिमम आपके तीन फैक्टर हो, और मैक्सिमम, और मैक्सिमम यहां पर आपके इनफाइनाइट फैक्टर हो, वो आपके भाज्य हो जाएगा। ये डेफिनेशन आपको किसी भी किताब में देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसे ऐसे ही आपको समझना है, क्योंकि इस डेफिनेशन से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर से समझाता हूं कि मिनिमम और मैक्सिमम केवल दो फैक्टर होंगे, वो आपका प्राइम है, मिनिमम तीन फैक्टर और मैक्सिमम इनफाइनाइट फैक्टर, फैक्टर मतलब खंड अगर है तो वो आपका भाज्य। अब ध्यान से समझना, यहां पर आपको मैंने बोला कि 30 की पावर यहां पर आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 की पावर आपका, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आपका 24 की पावर यहां पर आपका 5। इन प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टर आपको बताना है, इन प्रोडक्ट के आपको प्राइम फैक्टर बताने हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आप 30 को कैसे लिख सकते हो बेटा, 30 को आप लिख सकते हो 2 × 3 × 5, इस तरीके से आप लिख सकते हो क्या, 2 की पावर 5। अरे 3 × 5 = 15 × 2 = 30। यहां पर 24 को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से समझना, 24 को बेटा आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2, 8 × 3 = 24। इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक बात बताओ, इन्हें थोड़ा सा और एक्सपेंड करो तो यहां पर 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 और यहां पर 2 की पावर 5 और यहां पर 3 की पावर 5। इसमें किसी को कोई भी परेशानी बेटा, बेस समान होने पर हमेशा गुणा में घाते आपकी जुड़ती हैं और डिवाइड में घाते हमेशा आपकी घटती है। ये चीज समझ में आ रही? बेस समान होने पर गुणा में घाते हमेशा आपकी जुड़ती हैं और डिवाइड में घाते घटती हैं। यहां पर बेस देखना, बेस यहां पर कितना है, 2 की पावर 5 मतलब 2, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 10 15 20। ये चीज समझ में आ रही? 3 की पावर 5 5 और 5 आपका 10, 3 की पावर 10 और यहां पर कितना बचेगा आपको, 5 की पावर 5। ये चीज समझ में आ रही? तो यहां पर कितना आएगा, 20 और 10 30, 30 और 5 आपका 35, मतलब टोटल 35 फैक्टर आपके होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी होना चाहिए। इसमें किसी को कोई परेशानी? अरे कोई परेशानी, 49 ही नहीं ऑप्शन में, कहां से होगा, आंसर ही गलत दिया आपने तो कहां से ऑप्शन में आपको मिलेगा। एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है बेटा, 2 एक आपका प्राइम नंबर है और 2 को आपने 20 बार लिखकर गुणा किया है, 3 एक आपका प्राइम नंबर है और 3 को आपने 10 बार लिखकर गुणा किया है, 5 एक आपने आपका प्राइम नंबर है और 5 को 5 बार आपने लिखा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 बार 2 10 बार 3 और 5 बार 5। इन सबको जोड़ोगे ना तो टोटल आपके ये यहां पर प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, यहां पर आपके 35। इसमें किसी को कोई परेशानी? अगला सवाल समझना, अगला सवाल है आप लोगों के सामने, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष 6% वार्षिक है तो 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर क्या होगा, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर क्या होगा।
इसमें किसी को कोई परेशानी यार, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर भी करो, आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया, एक बार सेशन को शेयर करो और लाइक तो आप लोगों का बनता है अगर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है तो। आज ना एक से खतरनाक सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक से खतरनाक, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, हर एक सवाल, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और जो बच्चे जिनमें गलतियां करते हैं, अगर आज की क्लास आपने पूरी अटेंड की ना फिर वो गलतियां आप लोग नहीं करोगे। ध्यान से समझना, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% की हो, दूसरे वर्ष 5% की हो, तीसरे वर्ष आपकी 6% की हो, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, आपका प्रिंसिपल है आपका यहाँ पर बेटा देखे रखा है 25,000, ठीक है। ब्याज की वार्षिक जो दर है, ब्याज की जो वार्षिक दर है वो कितनी हो जाएगी, पहले साल 4%, ठीक है, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 6%। यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा आपका, 3 साल। टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, 3 साल, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, बताओ। बताओ भाई साहब, यार एक बात बताना, ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला कि पहले साल आपको कितना ब्याज देना है, तो आप बोलोगे सर पहले साल जितना भी प्रिंसिपल होगा ना उसका 4% देना है, मतलब 25,400, मतलब 1,000 रुपए आपको देना है। पहले साल कितना दोगे आप, 1,000। दूसरे साल का ब्याज अगर देखोगे यहाँ पर 5%, 25×5=125, मतलब 1,250 रुपए। फिर 5% किसका, 5% 1,000 का, मतलब 50 रुपए आपका यहाँ पर ब्याज। अरे ब्याज पर ब्याज दोगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में करते क्या हो, प्रिंसिपल पर तो दोगे ही ब्याज, लेकिन पहले साल के ब्याज पर ब्याज भी आपको देना है, मतलब ये ब्याज की जो साइकिल है ना ये आपकी बढ़ती चली जाती है। जैसे तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6% किसका, मतलब 150, 1500। फिर 6% किसका, पहले साल का, मतलब यहाँ पर कितना आएगा आपका, 60। फिर 6% किसका, 6×5=30, 3 कैरी करोगे, 12×6=72, 75, ठीक। और यहाँ पर 6% 6×5=30, मतलब 3 रुपए बेटा, इन सबको अगर जोड़ दोगे तो ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार जल्दी से बताओ यहाँ तक समझ में आया, ट्री मेथड बोलते हैं इस मेथड को, ट्री मेथड मतलब जो किताब पेड़ की टहनियों की तरह जो आपको दिख रही है ना, ये आपका ट्री मेथड, ठीक है, ये आपका ट्री मेथड। तो यहां पर इन सबको जोड़ दो कितना आएगा आपका, 3 और 5 आपका 8, ठीक है, 3 और 5 आपका 8, ठीक है। यहां पर कितना आएगा, 7×6=12, 13×5=18, 18×5=18, 18×5=23, 23 मतलब 2 कैरी करोगे, 2×2=4, 5=9, 9×5=5=14, 14×6=30, 30, ठीक है। यहां पर अगर इनको जोड़ोगे या तो इस तरीके से देख लो, यहां पर 1,000, 2,000 और 3,000, ठीक है, 3,750, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा आपका, 5×6=11, 11×7=18, 185, 185, 188, ये होना चाहिए। तो यहां पर आएगा 8, ठीक है, 8×5=13, 1 कैरी करोगे, 8 और 1 आपका 9, और यहां पर आपका 3, 3938 आना चाहिए, 3938, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्लियर है, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको इन चीजों को यहां पर सॉल्व करना है, और ये मेथड आपका ट्री मेथड है। आप अब ये ट्री मेथड आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हर बार का आपका एक इंडिविजुअल आपको ब्याज देना है। जैसे ये प्रिंसिपल पर आपने ब्याज दिया है, ये पहले साल के ब्याज पर ब्याज दिया है, ये दूसरे साल पर, फिर यहाँ पर ये वाला ब्याज, फिर इस पर ये ब्याज। अब अलग अलग क्यों है, क्योंकि भाई देखो रेट भी तो अलग अलग है, क्वेश्चन में देखे रखा है रेट अलग अलग। ध्यान से समझना इस सवाल को, अच्छा सवाल है, ठीक है, कंडीशन बेस्ड सवाल है। सवाल क्या है कि भाई एक त्रिभुज है जिसकी दो साइड से ए और बी, ठीक है, इन दोनों साइडों की लंबाई इस तरीके से आपको रखनी है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना, मतलब लंबाई का जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों साइड का जो मल्टीप्लाई है वो 24 है। यहाँ ए और बी आपके दो इंटीजर है, ए और बी दो आपके इंटीजर है, तो ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं आपको बताना है, ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं ये आपको बताना है। प्रो सवाल है, हर किसी के बस की बात नहीं है सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। अब इस ये सवाल डिसाइड करेगा,
ये सवाल डिसाइड करेगा कि आज की क्लास का प्रो कौन है, मतलब परीक्षा प्रो कौन है। देखते हैं किसका आंसर आता है। तुक्के मत मारना कि चार बार में चार तुक्के मार दिए आंसर आ गया और बन गए प्रो, तो उससे खुद के लिए बन जाओगे, परीक्षा की तरफ से नहीं बनोगे। ठीक है, सबसे पहले तो समझना कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि इस सवाल के पीछे ना एक आपको ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, मतलब प्रमेय थ्योरम जो मैंने आपको कई साल पहले, बहुत साल पहले पढ़ाई थी। और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि एक ट्रायंगल कब बनाया जा सकता है, एक ट्रायंगल कब बनाया जा सकता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, एक ट्रायंगल कब बनाया जा सकता है। बेटा एक जो ट्रायंगल है ना वो दो प्रॉपर्टी को जब फॉलो करेगा तब वो ट्रायंगल बनाया जा सकता है। मतलब ऐसे अलते बलते तीन नंबर लेकर कोई ट्रायंगल नहीं आप बोल दोगे कि ये तीन नंबर है, ये तीन आपके नंबर ऐसे हैं कि ये तीन साइड से इनसे आप एक ट्रायंगल बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो ज्योमेट्रिकली, बिल्कुल आप गलत हो। अब वो प्रॉपर्टी क्या है कि भाई कोई भी तीन संख्या, तीन तीन नंबर या तीन भुजाएं जिनका योग, जिनकी जिनमें किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है। या फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। ये दो वो प्रॉपर्टी हैं जो एक त्रिभुज का निर्माण करती है, ट्रायंगल को बनाती है। यही तो वो दो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कई साल पहले पढ़ाया भी था कि भाई किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, त्रिभुज की किसी किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से आपका छोटा होगा। इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, ध्यान से समझना। मैं अगर बोलूं कि भाई इस सी को, इन दोनों को मैनेज करो, तो आप बोलोगे कि जो सी है ना वो ए प्लस बी से तो बड़ा होना चाहिए, मतलब जो आपका सी है वो ए प्लस बी से बड़ा होना चाहिए, और यहां पर इससे, यहां पर ये इससे छोटा होना चाहिए, और यहां पर ये इससे बड़ा होना चाहिए। क्या इस प्रॉपर्टी से आप लोग ये वाला एक फाइनल रिजल्ट तैयार कर सकते हो कि त्रिभुज की दो भुजाओं से, दो भुजाओं के योग से वो छोटा है और त्रिभुज की दो भुजाओं के अंतर से वो बड़ा है। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से समझना, अगर कोई दो साइड्स का मल्टीप्लाई आपका 24 है, अगर कोई दो साइड्स का मल्टीप्लाई मतलब गुणनखंड 24 है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होंगी? बेटा पहली पॉसिबिलिटी तो क्या बनेगी आपकी, पहली पॉसिबिलिटी बनेगी 1:23 की, ठीक है। दूसरी बनेगी 2:22 की, 2:12 की। तीसरी बनेगी 3 × 3 = 24, फिर बनेगी 4×6 = 24। क्या इसके अलावा और कोई भी बनाया जा सकता है? जल्दी से बताओ, क्या इनके अलावा और भी कोई बनाया जा सकता है? अरे पहले जो समझा रहे ना, एक एक पॉइंट समझो, क्या इनके अलावा और को भी कोई ट्राइंगल बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। बेटा यहां पर अगर आप ये बोलोगे ना कि ए और बी के वैल्यू 23 और 1 है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर आप क्या बोलोगे कि सी के वैल्यू कितनी हो सकती है, यहां पर सी की वैल्यू कितनी हो सकती है? ध्यान से समझना, यहां पर 23 + 1, ठीक है, 23 + 1 इससे छोटा होगा सी, और इससे बड़ा होगा 23 - 1। तो यहां पर सी की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब 24, और यहां पर आपका 22, 24 यहां पर आपका 22, तो यहां पर आपका सी कितना हो सकता है, 23, मतलब एक ट्राइंगल आपका यहां पर बनाया जा सकता है। दूसरा यहां पर अगर देखोगे ना, 12 + आपका यहां पर कितना है, 12 + यहां पर आपका 2, यही होगा, ठीक है। और यहां पर ये सी की वैल्यू आपकी इस तरीके से, और यहां पर 12 - आपका 2, ध्यान से समझना बेटा, 12 और 2 = 14, और 12 - 2 = 10, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, और आपका 13 आ सकता है। मतलब यहाँ पर कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, 11 से बना सकते हो, 12 से बना सकते हो, या फिर 13 से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से बनाओगे, यहाँ पर किस तरीके से बनाओगे, 8 + आपका यहाँ पर 3, और इससे, और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 8 - आपका 3। ध्यान से समझना, ये सवाल हर किसी को समझ में नहीं आएगा, ये उसे ही समझ में आएगा जो वास्तविकता में परीक्षा प्रो को डिजर्व करता है, ठीक है। 8 और 3 = 11, ध्यान से समझना, 8 में से 3 जाएगा 5, तो यहाँ पर बीच में कौन कौन से सी की वैल्यू हो सकती है, 6 हो सकती है 7 हो सकती है 8 हो सकती है 9 हो सकती है 10 हो सकती है, मतलब 6, 7, 8, 9, ठीक है, और आपका 10। इतना समझ में आया बेटा? यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 + आपका 4, ठीक है, यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका, 6 - आपका
चार, यही होगा, छह और चार दस होता है और छह में से चार जाएगा दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा, छह में से चार जाएगा दो, तीन, ठीक है, चार, यहां पर कितना होना चाहिए, तीन चार पांच छह सात आठ नौ, यही हो सकता है, तो यहां पर तीन चार पांच छ सात आठ और यहां पर आपका नौ, इसमें किसी को कोई परेशानी, इसमें किसी को कोई परेशानी। अब देखना कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, एक इस साइड से बनाओगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, मतलब इस तरीके से आप सोलह त्रिभुज बना सकते हो, इतनी संभावनाएं आपकी बन जाएंगी, इतनी संभावनाएं आपकी बन जाएंगी ये एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2000, ठीक है, 20 के मेंस का आया हुआ सवाल है, मेंस का आया हुआ सवाल है। अब बताओ 16 ट्राइंगल आप बना सकते हो, एसएससी सीजीएल 2020 का आप पेपर उठा के देखना, और वो भी टीयर 2 का पेपर उठा के देखना, मतलब मेंस का पेपर उठा के देखना, वहां पर ये सवाल आपका पूछा गया एक बेसिक सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड, एक बेसिक सी आपकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। यहां पर किसी को कोई समस्या कोई परेशानी, अच्छा सवाल है, एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आया हुआ सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाना संभावित है। देखो सिलेक्शन अगर लेना है ना, आप खुद देख रहे हो पिछले कुछ सालों से क्या हालत है, वैकेंसी आ नहीं रही है, जॉब आ रही है तो इतनी कम आ रही है, और सिलेक्शन हर किसी को चाहिए, तो बेटा अगर वो हर किसी के बीच में आपको निकल कर अपना सिलेक्शन लेना है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको चीजें सीखनी ही पड़ेंगी जो बाकी की भीड़ से आपको अलग करेगी। नहीं, ऐसा आपके अंदर क्या है, आप खुद अपने आप से, मतलब मुझसे नहीं, अपने खुद अपने आप से पूछो कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपके पास जो लाखों की भीड़ में आप अलग हो, मतलब लाखों के जो फॉर्म भरे गए हैं ना लोगों ने, लाखों कैंडिडेट ने जो फॉर्म भरा है उनमें से आप अलग हो सिलेक्शन के लिए, ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपके पास। सिलेबस हर कोई कंप्लीट कर रहा है, कोचिंगें भरी पड़ी हैं, सिलेबस हर कोई कंप्लीट कर रहा है, क्या सबके सिलेक्शन होंगे क्या? एक ऑफलाइन की क्लास में जाके देखोगे ना, 500-600 बच्चों का बैच बनता है, मैं केवल एक बैच की बात कर रहा हूँ, और ऐसे उस एक कोचिंग पर 10 बैच चलते हैं, ये तो एक कोचिंग की हालत है, किसी एक शहर के छोटी सी कोचिंग के, ऐसे उस शहर में कितनी कोचिंग है और ऐसे एमपी में कितने शहर हैं यहाँ पे ऐसी कोचिंगें चल रही हैं, तो क्या सिलेक्शन हर किसी का होगा? अब आप ये खुद से पूछो कि आपका क्यों होगा, ठीक है, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें बेटा सीखनी पड़ेंगी। ये सेशन लाने का मेरा एक मकसद यही है कि आपको वो मैं एक्स्ट्रा चीजें सिखा दूं जो बाकी के लोग छोड़ते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं जिसने भी ये क्वेश्चन पहली बार देखा होगा ना, छोड़ दिया होगा, और किताब में भी इस तरीके से गोला बना दिया होगा इस तरीके से कि बाद में देखेंगे, और वो बाद कभी भी नहीं आता, ये गोला हमेशा के लिए उसने बनाया, आज के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए गोला बनाया वो, और ये गोला हमेशा बना भी रहेगा। सीखने की शुरुआत बाद में नहीं होती, सीखने की शुरुआत आज से होती है, जितना आप आज सीख सकते हो ना उतना आप कभी भी नहीं सीख सकते, ये बात हमेशा याद रखना मेरे। दो मीनार पी और क्यू के बीच में ठीक बीच स्थित एक बिंदु से उसके शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः आपके 30 डिग्री और 60 डिग्री है, पी और क्यू की ऊंचाई का अनुपात आपको बताना है कितना होगा, बताओ। ये कोई पी था और ये कोई क्यू था, ठीक है, ठीक बीचों बीच का मतलब होता है ये वैल्यू दोनों बराबर है, यहां पर इनको मिला दो, यहां पर इनको मिला दो, ये देखे रखा है ना कि ठीक बीच बी में, ठीक बीच में मतलब दोनों वैल्यू जो बराबर है। अब यहां पर ध्यान से समझना, ये अगर वैल्यू आपकी 30 है, ये वैल्यू आपकी 60 है, तो एक बात बताओ 30 के सामने का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 60 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, कैसे पता, क्योंकि ये वाले एंगल सबको पता है 90 ही होंगे बेटा, यहाँ पर 30 के सामने वाली भुजा 1 के अनुपात में होगी, 60 के सामने वाली भुजा √3 के अनुपात में होगी, ठीक है, 30 के सामने वाली भुजा 1 के अनुपात में होगी और 60 के सामने वाली भुजा √3 के अनुपात में होगी, क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी, क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी? यार एक बात बताओ, आपको बताना पी और क्यू का अनुपात कितना, पी और क्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:√3, 1:√3 मतलब यहां पर 1:√3 आएगा यार, 1:√3 ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, 1:3 थोड़ी ना,
एक थोड़ी ना होगा, एक अनुपात रूट तीन होना चाहिए, एक अनुपात तीन नहीं होगा, एक अनुपात रूट तीन होगा, ठीक है। या फिर अगर और दूसरी तरीके से समझना चाहते हो ना तो ऐसे समझो, देखो अगर कम समझ में आए तो ऐसे समझो, देखो ध्यान से समझना, मैंने बोला क्या कि भाई ठीक बीच में मतलब ये वाली वैल्यू दोनों बराबर होंगी, ये वाली वैल्यू दोनों बराबर होंगी, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पर दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो एक का गुणा रूट तीन में करो, रूट तीन का गुणा रूट तीन में एक में करो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा रूट तीन, और यहाँ पर क्या मिलेगा रूट तीन, रूट तीन का गुणा यहाँ किया होगा तो रूट तीन का गुणा आपने यहाँ पर भी किया होगा, रूट एक का यहाँ, एक का यहाँ गुणा किया होगा तो एक का आपने यहाँ पर भी किया होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो एक आएगा, यहाँ पर रूट तीन का हो जाएगा कितना आपका तीन, तो एक अनुपात तीन भी आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिस प्रकार के प्रो क्वेश्चंस अभी आपने देखे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपको परीक्षा के वीडियो कोर्सेज में देखने को मिलते हैं। परीक्षा पर एमपी पटवारी, एमपी सब इंजीनियर, एमपी एसआई और अन्य व्यापम एग्जाम के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में परीक्षा लेकर आया है भारी भरकम डिस्काउंट। परीक्षा पर सभी वीडियो कोर्सेज पर 40% के ऊपर 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको याद रखना है कोड JMD55, जहां पर आपको मिलेगा भारी भरकम डिस्काउंट और 28 सितंबर को ही वैलिड होगा, तो आपको डेट्स भी याद रखनी है और इस ऑफर का लाभ उठाना है। तो चलिए वापस चलते हैं प्रो क्वेश्चंस की तरफ, प्रदीप सर के पास। खालिस्तान को बेब भी कहा जाता है जिसमें अरबों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ऑप्शन चलिए भाई देखना है ना, देखो सिर्फ ये जान लेना कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यहां अपनी बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि भाई हम हैं परीक्षा प्रो। सामान्य विद्यार्थी क्या करेगा कि उसको पता है कि भाई ये आंसर हुआ, उसकी कहानी खत्म। लेकिन आपको पता है देखो दिक्कतें क्या थी, जब बेब कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा भाई, बेब की बात होगी। आपको पता है ट्रिपल डब्ल्यू को बेब कहते हैं हम, है ना, और वेब मतलब क्या होता है, देखिए दो आंसर तो यहां से हम काट, जैसे मान लीजिए किसी को ना भी पता हो, जनरली सभी को पता रहता है इस प्रश्न को, है ना, लेकिन किसी को ना पता हो तो भाई जो हमारे HTTP हैं और डोमेन हैं, तो इनमें तो भाई बेब शब्द आया ही नहीं है, बेब तो आया ही नहीं है, तो दो तो अपने कट जाएंगे, तब भी आप ए और सी तक पहुंच पाओगे, ए और सी तक आप पहुंच पाओगे कि एक बेब पोर्टल हुआ, एक क्या हुआ वर्ल्ड वाइड बेब हुआ। अब देखना है कि डॉक्यूमेंट्स अरबों कैसे रहेंगे, तो वो रहेंगे भाई वर्ल्ड वाइड रहेंगे, तो ऑप्शन ए अपने आप था, सभी को पता सामान्य प्रश्न है। लेकिन इससे जुड़े हुए तमाम तथ्य हमें और भी जानने हैं भाई, जैसे कि मैं कह दूं कि वेब पोर्टल क्या है, तो आपको पता है ये क्या है, आप ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं समान प्रकार की, देखो तो इससे जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। समान प्रकार की वेबसाइट जो होती हैं, इनका ग्रुप, वेबसाइट्स का ग्रुप जो होता है साथियों, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं वेब पोर्टल कहते हैं, ठीक है। HTTP क्या है, तो ये है प्रोटोकॉल जो क्या करेगा, ये टेक्स्ट को ट्रांसफर करेगा जो डॉक्यूमेंट्स में क्या है, अरबों डॉक्यूमेंट्स लिंक हैं ट्रिपल डब्ल्यू के माध्यम से, उनको ट्रांसफर करता है कहां, यूजर तक। तो वहां काम करता है कौन, वहां काम करता है प्रोटोकॉल, वहां क्या काम करेगा, वहां काम करेगा प्रोटोकॉल, ये है HTTP, माने क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करेगा। और डोमेन आप जानते हैं google.com, तो ये क्या है, ये है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम किसे कहते हैं, ये होता है किसी वेबसाइट का जो यूनिक नेम होता है। आपको पता है कि भाई जो वेबसाइट होती है एक नाम से केवल और केवल एक ही वेबसाइट आपको मिलेगी, अगर वैसी ही वेबसाइट आपको कोई और मिलती है ये संभव नहीं होता है जनरली, है ना, कुछ ना कुछ हल्के फुल्के आपको बदलाव देखने को मिलेंगे ही, आप बदलाव आप देख पाओ या ना देख पाओ, है ना। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, दीजिएगा आंसर भाई। और फिर हम बात करते हैं इसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की, कि जब भी आप पढ़े कुछ तो उसके कॉन्सेप्ट की कहानी पता हो कि ये है क्या, तुक्का मार के सिर्फ हमें उत्तर सही नहीं करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए TCP/IP हो जाएगा। अब देखो TCP/IP को हम स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कहते हैं, है ना। और देखो सिर्फ उत्तर पता करना मकसद नहीं है, मकसद है कि उसके कॉन्सेप्ट हो, लॉजिक हो, और जो जो भी हम बिल्ड कर सकते हो वो हमें लगातार क्या करना है, इंप्रूव करना है इन चीजों पे अपने में, है ना। देखिएगा यहां से बनने वाले तमाम प्रश्नों की भी मैं आपसे एक साथ ही बात करने वाला हूं, कि यहां से और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं ना, तो पूरा प्रश्न का पोस्टमार्टम हो जाता है एक ही जगह आपका,
जैसे अपन करें टीसीपी, ये क्या है, तो ये है ट्रांसमिशन, क्या है साथियों, ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। आईपी क्या है, तो आपको पता है ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सुन लेना ध्यान से, ध्यान से सुन लेना, है ना। देखो इसे बैकबोन ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है, इसे बैकबोन ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। और इसका ही विकास किसने किया है, विंड सर्फ ने किया है, विंड सर्फ ने। तो विंड सर्फ कौन है, ये जनक हैं, किसके, इंटरनेट के जनक हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, ये करता क्या है, तो भाई डेटा को पैकेट्स में भेजता है, और इसी सिद्धांत पर क्या करता है, इंटरनेट इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि डेटा को पैकेट्स में भेजेगा, है ना। तो प्रश्न बनता है कि भाई डेटा को पैकेट्स में डिवाइड कौन करेगा, तो टीसीपी करता है, और इसी प्रिंसिपल पर कार्य कौन करता है, तो इसी प्रिंसिपल पर कार्य करता है इंटरनेट कार्य करता है। बाकी इंटरनेट डे आपको याद है 29 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि 29 अक्टूबर 1969 को पहला मैसेज, जिसे हमने क्या कहा था, लॉगिन भेजा था, जिसे हमने लॉगिन भेजा था, पहुंचा क्या था, तो लो LO पहुंचा था। इतनी कहानी थी इससे जुड़ी हुई, याद आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना। तो ये थी भाई आपकी क्या टीसीपी की पूरी कहानी, आपको क्या क्या पता हो। तो इतने प्रश्न आपकी बनते ही बनते हैं, रैंडम परीक्षाओं में बनते रहेंगे, है ना। तो आपको लगातार इनको पढ़ना पड़ेगा, लगातार इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। चलिए भाई अगर बात करते हैं, तो ये जानते ही हो भाई ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, इंटरनेट खालिस्तान एक है। अब बताइएगा भाई ये क्या है, है ना। और देखो ऐसे प्रश्न जो आप देख पा रहे होंगे, जिनके आंसर आपसे बन रहे होंगे, तो यहां मैं आपके लिए बहुत टफ प्रश्न भी ला सकता था। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो अल्टीमेट ये तो आपको याद ही रहेंगी। अगर जो क्लास में बताया जा रहा साथियों, अगर आप उतना भी याद रखते हैं परीक्षा तक, जितना कि क्लास में मैं बोल रहा हूं आपको, मैं जितना आपसे बोल रहा हूं, अगर आपको वो भी याद रह गया ना, समझिएगा कि आप कंप्यूटर में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये वादा रहा आपसे, है ना, ये आपसे वादा रहा, जितना आप क्लास में सुनते हैं वो आप बस याद रख पाओ, वो आप याद रख पाओ, है ना। चलिए भाई, तो ये क्या है, आपको पता है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा गया, तो इसे कहा गया इंटरनेट को कहा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन इंटरनेट से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर साथियों, जो कि एक प्रश्न पिछला वाला भी था और एक ये भी आ चुका है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये होता है इंटरनेट को पहली बार किसने बनाया है, तो यूएसए डिफेंस ने बनाया है। किसने बनाया है, यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट ने बनाया है। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि पहली बार इंटरनेट को बनाने का काम किसने किया है, तो वो किया है यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट ने, रक्षा विभाग ने। कब का प्रयास किया है भाई, तो 1969 में। इसका पहले नाम क्या था, तो पहले नाम था अर्पानेट, अर्पानेट था, लेकिन ये कैसा था, ये था प्राइवेट नेटवर्क हुआ करता था, याद है कहानी। फिर हमारे पास क्या आया था, फिर हमारे पास डिकनेट आया था साथियों, जो कि क्या हुआ था, पहला पब्लिक नेटवर्क था। पहला कैसा था, ये था हमारे पास पब्लिक नेटवर्क हुआ करता था। फिर 1995 15 अगस्त 1995 को साथियों क्या हुआ, इंटरनेट जो है वो इंडिया में दस्तक दे दिया है, और भारत में इंटरनेट की सेवा देने वाली पहली कंपनी, जिसे हम आईएसपी कहते हैं, वो है VSNL, अर्थात आप देखोगे भाई यहां VSNL पहली आईएसपी कहां की है, ये है इंडिया की। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि दुनिया की पहली आईएसपी, देखो बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा आपका यहां से, एक दुनिया का या दुनिया की पहली आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कौन सी है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर करोगे, अभी मत लाना, कमेंट बॉक्स में आप लोग नीचे देना आंसर इसका, ठीक है ना। तो VSNL का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाता है VSNL का, जो क्या है ये पहली क्या है, पहली आईएसपी है। BSNL अलग है ना, ये है भाई भारत संचार निगम लिमिटेड, तो ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड की, ठीक है। तो ये बातें होती हैं इंटरनेट से जुड़ी हुई, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये तथ्य जो है वो क्लियर हुए होंगे। विदेश संचार निगम लिमिटेड दुनिया की जो पहली आपकी आईएसपी है, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है, भूलना मत, है ना, मैं देखूंगा एक एक के कमेंट, अभी नहीं बाद में, क्योंकि अभी तुमको आता नहीं है, बाद में गूगल करके दिखना जरूर, है ना,
ठीक है, चलिए वेब साइट बता आपको क्या है, वेबसाइट क्या होती है, तो ये सेट ऑफ वेब पेज होती है। और अगर हम यहां बात करते हैं वेबसाइट में, इसे कहते हैं सेट ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस मतलब वेब पेजेस के समूह, क्या बोलते हैं, वेबसाइट। और किसी वेबसाइट की जो पहला पेज होगा क्या होगा, इसे कहते हैं होम पेज। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे होम पेज। और सुनिएगा, कौन सी वेबसाइट की रैंकिंग क्या है, रैंकिंग जारी की जाती है वेबसाइट की, इसको बोलते हैं एलेक्सा रैंकिंग। क्या बोलेंगे, एलेक्सा रैंकिंग कहा जाता है। इससे यह तय होता है कि आपकी वेबसाइट दुनिया में कितनी ज्यादा फेमस है ना। ध्यान रखिएगा, आप होस्ट पता है आपको, होस्ट कौन है, जैसे होस्ट होते हैं ना, गेस्ट होस्ट, जो होस्ट कुछ करते हैं, जो सेवाएं देते हैं, जैसे आप कुछ कराओगे, कार्यक्रम कराया आपने, तो आप क्या है, होस्ट हैं। ऐसे ही क्या, सर्विस जो देगा, जिसे हमने सर्वर कहा, तो इसको ही हम होस्ट कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वर ही क्या हो जाता है, होस्ट हो जाता है, और ये क्या बनेगा, हमें क्लाइंट हो जाते हैं हमारे। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर, बिल्कुल भाई सिवाय कह रहे हैं, टेक्नेट क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट्स नेटवर्क है, बहुत बढ़िया सिवाय है ना। होम पेज, पहले पेज को होम पेज बोलते हैं, रैंकिंग जारी करती है एलेक्सा, रैंकिंग जारी होती है जो कि फेम तय करता है किसी वेबसाइट का। ओके, मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए किसान कॉल सेंटर का क्या कार्य होता है, तो देखिए ये क्वेश्चन प्रो है। अब प्रो वाले बच्चे कैसे इसे सॉल्व करेंगे, या प्रो का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो दिमाग लगाना है। किसान कॉल सेंटर, तो किसके लिए कॉल सेंटर बना है, जो किसान है, तो कॉल सेंटर में होता क्या है, आपकी मदद की जाती है ना। तो अब देखिए आपके प्रश्नों की मदद होती है, तो अब प्रश्न क्या है, किसान, ऑप्शन क्या है, किसानों को सूचना प्रदान करने के लिए किसान कॉल सेंटर बनाए गए हैं, या कि फिर दूसरा ऑप्शन, किसानों के उत्पादों की बिक्री कराने के लिए, कि आपके उत्पादों की बिक्री नहीं हो रही तो आप किसान कॉल सेंटर में क्या करोगे, हेल्प लोगे, ऐसा होगा क्या, नहीं। ठीक है, खेती के लिए जरूरी सामग्री की आपूर्ति कराना, खेती के लिए सामग्री नहीं है तो क्या किसान कॉल सेंटर में कॉल करोगे कि सामग्री भेज दो, ऐसा होगा क्या। फिर देखिएगा, फोन पर प्रत्येक किसान की अच्छी तरह से पूछताछ करना, किसान की पूछताछ करना ऐसा लिखा हुआ है, किसान की पूछताछ करना ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या किसान की पूछताछ करने के लिए किसान कॉल सेंटर बनाया गया है, या कि फिर किसानों को उनके व्यवसाय या उनकी खेती से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए। तो अब देख लीजिए, दो ही विकल्प आपके पास में बचते हैं। अब इसमें दिमाग लगाना है आपको कि क्या किसानों की पूछताछ करेगा, या कि फिर किसानों को इंफॉर्मेशन देगा, क्यों बनाया गया है, तो ये बताएंगे आप बिल्कुल। तो देखो, किसान को सूचना प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स, किसानों को सूचना प्रदान करने के लिए किसान कॉल सेंटर बनाया गया है। 1800-123-1136 इसका टोल फ्री नंबर है, 1800-123-1136 आप लोग चाहें तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या है आठवें नंबर का प्रश्न, भारत का पहला राज्य था जिसने निर्णय लिया कि गैर लकड़ी वन उत्पादन का स्वामित्व संविधान के 73वें संशोधन के बाद ग्राम सभाओं को हस्तांतरित किया जाए। तो 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अपनाने वाला राज्य कौन सा था, अगर ऐसे लॉजिक भी लगाए ना इस पे तो आंसर बनेगा, क्योंकि ये प्रो का क्वेश्चन है, तो प्रो के क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, और लॉजिक लगाते ही उत्तर मिल जाता है। भारत के ऐसे पहले राज्य का नाम बताइए जिसने ये निर्णय लिया कि लकड़ी वन उत्पादन का स्वामित्व, लकड़ी वन जो होते हैं उनके उत्पादन का स्वामित्व जब 73वां संविधान संशोधन आ जाएगा उसके बाद ये पावर ग्राम सभाओं को ट्रांसफर करा दी जाए। तो पहली सिंपल सी बात है कि पहले ही 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज किसने लागू कराया, तो मध्य प्रदेश ने। तो इसका उत्तर भी सही क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश है क्या ऑप्शन में, हाँ है। लेकिन अगर पंचायती राज पहली बार कहां लागू हुआ इसकी बात आ जाए, तो पहली बार पंचायती राज तो राजस्थान में लागू हुआ, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज लागू करने वाला राज्य कौन सा है, हमारा अपना मध्य प्रदेश है ना। सुख का दाता सुख का साथ है ना, सुख का दाता सुख का साथी सुख का यही संदेश है, मां की गोद पिता का आश्रय अपना मध्य प्रदेश है। अब इसमें से भी प्रश्न पूछता है कि ये लिखा किसने, गाया किसने, कंपोज किसने किया है ना, तो इस प्रकार से भी प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ते हैं। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आज का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नौवे नंबर प्रश्न पे हम आ जाएंगे। तो नौवा प्रश्न है, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आने के बाद, तो सबसे पहले तो आपको बताना है बलवंत राय मेहता कमेटी कितने स्तरीय कमेटी थी, और बलवंत राय मेहता कमेटी कब
एस्टैब्लिश हुई है ना, कब बनी ये भी बताना है, कितने स्तरीय, तो ये आंसर दीजिए, फिर कब बनी ये आंसर दीजिए, और सिफारिश आने के बाद पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य। तो देखिए ये प्रो का क्वेश्चन है, अब बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद सिफारिश आने के बाद पहला राज्य पे आंसर आपको बताना है। तो चलिए बताइए जरा कौन सा पहला राज्य हो जाएगा, ये आंसर आप एक बार में लगा सकते हैं, अगर आसानी से लगाने का प्रयास करेंगे ना तो बिल्कुल एक बार में आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो है ना, राजस्थान का नागौर जिला है, सबसे पहले यहां पर पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था, कैसे भाई 1957 की बात है, है ना, 1957 में अपने यहां पर बलवंत राय मेहता कमेटी बनी और टोटल थ्री टायर सिस्टम, मतलब ये आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी, ठीक है ना। तो 2 अक्टूबर 1959 को इसी के तहत, कितने तारीख को, बिल्कुल 2 अक्टूबर 1959 को इसी कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले में है ना त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लगा सकते हैं कि हमने पढ़ रखा है कि पहली बार पंचायती राज लागू कहां हुआ, तो पहली बार लागू हुआ है राजस्थान में, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद कहां लागू हुआ है, तो 73वें संविधान संशोधन के बाद लागू हुआ है 1992-93 कहां आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आंसर अगर देखा जाए तो 59 में लागू हो गया था कहां पे, राजस्थान में, तो सबसे पहले कहां लागू हो गया, राजस्थान में। कमेटी कब बनी, 57 में, सिस्टम कितना, तो थ्री टायर सिस्टम, ठीक है। तो आंसर ये आपसे बिल्कुल बन जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन है जनसंख्या के आकार के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान, तो ये प्रो का क्वेश्चन लॉजिकली लगा लो, सबसे बड़ा देश कौन था, चाइना। जनसंख्या के लिए टॉप पे कौन होगा, चाइना। सेकंड नंबर पे दूसरा, मतलब जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा, कहते हैं ना मार्केट कौन सा सबसे बड़ा, चाइना है, इंडिया है, फिर कौन सा, अमेरिका वगैरह है, लेकिन इंडिया अभी सबसे बड़ा मार्केट है चाइना के बाद में, तो सेकंड प्लेस ही हो जाएगा इसका। कहां दिया है क्या चौथा, दूसरा ऑप्शन, हां जी ये दिया हुआ है दूसरा। तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये सभी को पता है, आरसीसी अब आई, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका रसिया हो जाएगा, चाइना, कैनेडा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके आंसर बनते चले जाते हैं। ये है बेटा आपका प्रो क्वेश्चन, प्रो क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मेरे लाडलो इसी क्वेश्चन के अंतर्गत हमने चेंजेस किए हैं, यहां पर जो कथन है वो भी तीन है और जो निष्कर्ष है बेटा वो भी मैंने तीन लिए हैं। अब आप देखो आज के प्रो क्वेश्चन में कुछ बसे ट्रक आ रही है, तो बेटा अरे यार ये कहां जा रही है, मैं लाइन वहां खींच रहा हूं, मौसम उधर बन रहा है इसका, कुछ बस जो है वो ट्रक है, कुछ ट्रक नाव है, नाव है, ठीक है, कोई नाव जीप नहीं है, जीप नहीं है। अब देखो कंसेप्ट क्या कहता है, मोहब्बत क्या कहती है, तीतरी क्या कहती है, कुछ जीप बस है, तो बेटा जीप और बस में संभावना, कुछ नाव बस है, नाव में बस में संभावना, कुछ जीप ट्रक है, बेटा जीप में और ट्रक में संभावना, तीनों में संभावना, पॉसिबिलिटी है, मतलब इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता, तो बेटा दिस इज द योर प्रो क्वेश्चन, द प्रो तरीका ऑफ दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, तीसरी हो जाइएगा। मैंने देखते ही संभावना, प्रो का खास बात क्या था, मैंने आपको बोला था कि जिन डायग्राम्स में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो, डायरेक्ट आपको क्या बोलना है, पॉसिबिलिटी केस, तो ये संभावना हमने कर दिया, तो यहां से कोई भी कंफर्मेशन सही नहीं है। आगे फिर मोहन, तो मेरे मोहन, मोहन प्यारे, दिस इज द अनदर प्रो क्वेश्चन, और द प्रो क्वेश्चन इज द वेरी डिलीशियस क्वेश्चन बिटवीन टुगेदर, कैसे कैसे होगा ये प्रो, ब्रो आ जाओ पढ़ते हैं प्रो, क्या कहता है, सभी कलम पुस्तकें हैं, तो भैया ये सभी कलम है और सभी जो कलम है वो पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें प्रश्न हैं, तो बेटा कुछ पुस्तकें प्रश्न हैं, सभी प्रश्न कागज हैं और सभी जो प्रश्न हैं वो कागज है, ठीक है। इसके निष्कर्ष आप लोगों को बता लें, तो बताइए प्रो क्वेश्चन के साथ प्रो तरीका, जल्दी बताओ, कोई कागज कलम नहीं है बेटा, संभावना है, कम से कम कुछ प्रश्न कलम है, कम से कम कुछ प्रश्न कलम है बेटा, संभावना है, दोनों में पॉसिबिलिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा नहीं, सीधा सा मतलब है बाबू रे,
देर आर नो फॉलो बोथ आर द नॉट करेक्ट, तो अनुसरण नहीं करता है न तो ये, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, संविधान में अनुसूचित जाति का वर्ण किस अनुच्छेद में किया गया है, वर्णन किस अनुच्छेद में, वर्ण नहीं वर्णन ध्यान रखना, वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, मतलब जो आपका शेड्यूल कास्ट है इस शेड्यूल कास्ट का वर्णन किस में किया गया। अब ये क्वेश्चन प्रो में क्यों डाला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। देखिए अगर बात की जाए 341, 342, 343 और 344 तो हमने दो ही पढ़े, 341 और 42, 43 और 44 को इतना ज्यादा हमें यहाँ पे इसके लिए नहीं पढ़ना, क्योंकि 343 आपको याद होगा राजभाषा वगैरह आपने पढ़ रखा है, तो उसको तो कभी आप नहीं लगाओगे, तो ये ऑप्शन आप ऑड वन आउट कर दोगे। अब पढ़ा है आपने 41 42 उसी में डाउट होगा, तो एक आपने पढ़ा है शेड्यूल कास्ट के लिए और एक आपने पढ़ा है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, मतलब पहला पढ़ा है आपने अनुसूचित जाति के लिए और दूसरा पढ़ा है आपने अनुसूचित जनजाति के लिए, तो पहले 41 आता है बाद में 42 आता है, तो अनुच्छेद 341 अनुच्छेद 341 में लिस्टेड जो भी आपकी ट्राइब हैं उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाएगा और जो 342 में लिस्टेड है अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा, तो ऐसे फैक्ट्स आपको याद रखना है। 341 आपका अनुसूचित जाति का वर्णन करता है जबकि 342 आपके अनुसूचित जनजाति का वर्णन करता है, तो इस प्रकार से चीजें आपको आपके दिमाग में जरूर रखनी है। और एक और चीज, 1995 की बात है, 1995 में एससी कमीशन गठित किया गया था, क्या गठित किया गया था, तो एससी कमीशन मतलब अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। अनुसूचित जाति आयोग कब गठित हुआ, अगर प्रश्न आ जाए तो उत्तर बताना है 1995 में अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अब अनुसूचित जाति की और बात करें तो एससी पॉपुलेशन में, एससी जनसंख्या में, किसमें, एससी जनसंख्या में प्रदेश का देश में आठवां, प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, अगर ये प्रश्न आ जाए प्रदेश का देश में आठवां स्थान है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखना है, ठीक है ना, आठवां। जबकि परसेंटेज में, तो परसेंटेज की अगर बात आ जाए तो परसेंटेज में 17वां स्थान है। ऐसे सारे के सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम से रिलेवेंट हैं, इन्हें आपको अवश्य याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितना मैं लिखाते जा रहा हूं ये सब आपको याद रखना है। अब एससी की बात करें तो एससी का जो परसेंटेज है 15.6% है, ठीक है। एक फिर एसटी का जो परसेंटेज है 21.10% है, तो ये परसेंटेज भी इसका मैंने बता दिया। एसटी कमीशन आपको बता दिया कि अनुसूचित जाति आयोग कब बना था, 1995 में, ठीक है। 341 में अनुसूचित जाति का वर्णन है जिसको लिस्टेड किया गया है और 342 में आपका अनुसूचित जनजाति को लिस्टेड किया गया है, ठीक है। फिर अनुसूचित जाति जनसंख्या में प्रदेश का देश में आठवां, जबकि परसेंटेज के हिसाब से 17वां स्थान है, इस प्रकार की चीजें भी आपको याद रखना है। अब अगर आ जाए कि अनुसूचित जाति और जनजाति शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो आपके यहाँ पे आजा, आजा मतलब अनुसूचित जाति और अजजा, ध्यान रखना आजा और अजजा शब्द का प्रयोग, आजा और अजजा शब्द का प्रयोग किसके द्वारा हुआ, तो साइमन कमीशन के द्वारा पहली बार आजा और अजजा मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये फैक्ट्स आपको अवश्य याद रखने हैं, बहुत सारे फैक्ट्स एडिशनल में आपको बताते जाऊंगा, ठीक है ना। तो इन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। जनजातियों के लिए जो पंचशील सिद्धांत है वो पंडित नेहरू ने दिया था, कौन सा सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत भी दिया था, कौन सा शील सिद्धांत, तो पंचशील सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, पंडित नेहरू के द्वारा पंचशील सिद्धांत दिया गया। इतने सारे फैक्ट्स आपको अवश्य याद रखने। अब देखो ये प्रो का क्वेश्चन तो हुआ, साथ में एडिशनल इतने सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्या लिखा है, कौन सी जनजाति राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। अब देखिए आपके पास में ये क्वेश्चन प्रो में है, अब प्रो वाला बच्चा कैसे लगाएगा इसको, तो लॉजिक लगाएगा कि इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, जनजाति राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछा। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है शेड्यूल कास्ट, एक होता है शेड्यूल ट्राइब। अब पूछा अनुसूचित जाति सबसे बड़ी कौन सी है,
तो अनुसूचित जाति अलग होगी और जनजाति अलग होगी। तो चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल होते हैं तो जनजाति भी ज्यादा होगी, तो जनजाति अपने यहां पे कौन सी पाई जाती है, भील पाई जाती है। लेकिन अगर जाति की बात करेंगे तो यह समाज में ही रहती है, एक अलग धारा में रहती है, बाकी सामाजिक लोगों से एक अलग धारा में रहती है, वो अनुसूचित जाति है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी जाति है वो कौन सी है, तो ये चमार जाति सबसे बड़ी जाति है। क्या ऑप्शन है क्या, चर्मकार, बिल्कुल चमड़े का कार्य करने वाली, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, चले आगे बात करते हैं इसमें कि जनजाति अध्ययन के पिता, कुछ और फैक्ट्स याद कर लो, रट लो, लिख लो, जनजाति अध्ययन के पिता, अगर प्रश्न आ जाए कि जनजाति अध्ययन के पिता कौन है, तो जनजाति अध्ययन के पिता कौन है, शरत चंद्र रॉय, याद रखेंगे शरत चंद्र रॉय, ये जनजाति अध्ययन के पिता हैं। इस प्रकार के फैक्ट्स आपको अवश्य याद रखने हैं। अगली बात करते हैं यहाँ पे आपका कि 1979 की बात है, 1979 में मध्य प्रदेश, कौन सा 1979 में मध्य प्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम गठित किया गया। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम, सहकारी वित्त एवं विकास निगम गठित किया गया, वित्त एवं विकास निगम गठित किया गया। ठीक है, तो ये कुछ और फैक्ट्स हैं आपके एडिशनल, याद रखिएगा 1979 में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम को गठित किया गया। ठीक है ना, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भी गठित हुआ है। शरत चंद्र रॉय को अनुसूचित जाति अध्ययन का पिता कहा जाता है, जिन्होंने जनजातियों के ऊपर अध्ययन किया है। अनुसूचित जाति देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। अरे मतलब ये प्रश्न ऐसा है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का प्रतिशत देश की कुल अनुसूचित जाति के प्रतिशत का कितना परसेंटेज है, जैसा हम एससी और एसटी का परसेंटेज पढ़ते हैं। तो ये तो आसानी से लगा लोगे यार, ये प्रो का क्वेश्चन है और कई बार मैंने बताया, तो इसमें सीधा सीधा आपको चीजें याद है, आप लगा सकते हैं। जाते हैं 12वां प्रश्न, क्या है, प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जिले में है। देखो अनुसूचित जाति का प्रतिशत, अब एससी फिर से बनाओ, फिर क्या बताया, आई जे यू जे, ये दोनों आते हैं किसमें, परसेंटेज में, ये दोनों आते हैं किसमें, पॉपुलेशन में। तो अब देखिए पहले क्या आता है, मैक्सिमम, फिर क्या आता है, मिनिमम, तो इन्हें पूछा क्या है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम परसेंटेज में कौन सा आएगा, यू, यू का मतलब उज्जैन, वेरी गुड। तो यार ये तो एक बार में लगा, वाह वाह शानदार, बस ऐसा ही चाहिए मुझे, ऐसा ही चाहिए। तो प्रो वाला बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को लगाएगा, क्या दिमाग में रहेगी ट्रिक, आई जे यू जे, लॉजिक लगाया, आंसर बढ़ाया आगे, तो रन, और बाकी नहीं तो फिर दिमाग में खिचड़ी पकती है छोटा बड़ा, है ना।